हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में। और आज हम बात करेंगे लास्ट टॉपिक जो हमारा है फर्स्ट चैप्टर का रियल नंबर का, वो है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, है ना। तो बेसिकली बात की जाए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, कि जैसे कि मैं बात करूँ कि ऐसा है कि मेरे पास कोई भी नंबर जैसे 1/3 है, तो मैंने 1 को 3 से डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आता है, मैंने कहा 0.333333333 एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या है, क्या ये नंबर टर्मिनेटिंग है? मैंने कहा नहीं है, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ऐसा डिवाइड करने पर आपके पास ये टर्मिनेट नहीं होगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ऐसे नंबर जो टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है ना। अब जैसे कि मेरे पास ऐसा है कि अगर मेरे पास 1/2 होता तो हमका क्या आता है, मेरे पास 0.5 आता, तो ये मेरे पास क्या है, टर्मिनेटिंग। समझ में आ रही बात? टर्मिनेटिंग क्यों है, किस ऐसा कि आपके पास डिवाइड कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है और वो टर्मिनेट डेसिमल पॉइंट के वो भी एक डिजिट बाद टर्मिनेट हो जा रहा है। सच में बात, तो हम यहाँ पे क्या बात करेंगे, कौन कौन से मेरे पास रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होते हैं और कौन कौन से नॉन टर्मिनेटिंग। तो बात की गई है रेशनल नंबर की, किसकी बात की गई है, रेशनल नंबर की। तो रेशनल नंबर जो होते हैं वो होते किस फॉर्म में, पी बाई क्यू की फॉर्म, किस फॉर्म में होते हैं, पी बाई क्यू, या फिर हम कह सकते हैं क्या कहते हैं, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। कंडीशन आपको याद होगी डिनोमिनेटर मेरा जीरो नहीं होना चाहिए और साथ ही मेरे पास दोनों के होने चाहिए को प्राइम, मतलब नो कॉमन फैक्टर्स। समझ में आ रही बात? चलो, तो मैंने क्या बोला सर, ऐसा है कि यहाँ पर अगर बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कही जाती है कि टर्मिनेटिंग के लिए कंडीशन ये होती है, या तो मेरे पास ऐसा है डिनोमिनेटर की बात की जाती है, किस बात की जाती है, डिनोमिनेटर की। टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर के लिए अगर बात की जाए तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, इफ डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2^n एंड 5^n, मतलब ये कि अगर यहाँ पे अगर बात की जाए तो डिनोमिनेटर मेरे पास का जो फैक्टर जो होना चाहिए, प्राइम फैक्टर अगर निकाले, या तो 2 आने चाहिए, या फिर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, या फिर दोनों हो सकते हैं। समझ में बात? तो क्या होना चाहिए मेरे पास, जैसा कि टर्मिनेटिंग की जब भी हम बात करते हैं तो टर्मिनेटिंग का क्या कॉन्सेप्ट है आपके पास, या तो मेरा डिनोमिनेटर में अंदर प्राइम फैक्टर जो आने चाहिए वो सारे 2 आने चाहिए, या तो सारे के सारे 5 आने चाहिए, या फिर 2 और 5 के कॉम्बिनेशन का कुछ भी। पर अगर इन दो नंबर के अलावा कोई तीसरा नंबर आ जाता है तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं यहाँ पे, तो एग्जांपल मैंने दिया जैसे कि मेरे पास यहाँ पर है 1/5, मैंने कहा ओके इट इज टर्मिनेटिंग। समझ में आ रही बात? मैंने कहा 1/2, मैंने कहा क्या टर्मिनेटिंग, ठीक है। मैंने कहा 1/10, दिस कैन बी रिटन एज 1/2 × 5, डिनोमिनेटर 2 और 5 के फॉर्म में, तो ये भी क्या टर्मिनेटिंग। समझ में आई बात? और अगर मेरे पास ऐसा है कि इस फॉर्म में ना हो तो क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। समझ में आ रही बात? अच्छा, तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, क्या कर सकते हैं उसके बारे में। जैसे कि मेरे पास ऐसा है क्वेश्चन दे रखा है, एग्जांपल दे रखा है मुझे 13/3125, कैसे सॉल्व करेंगे आप बता रहे, ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो मैं क्या बोलूंगा, सीधी सी बात है, जो डिनोमिनेटर है उसके हम क्या करेंगे, फैक्टर, क्या करेंगे, फैक्टर। तो मैंने कहा सीधी सी बात ऐसा है कि 3/1/25 के अगर फैक्टर किए जाए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, कर सकते हैं, है ना। तो मेरे पास आपने क्या, 5 से किया कितना है, मेरा 625, फिर 5 से किया कितना है, मेरा 125, 5 से किया कितना है, मेरा 25, ओके। समझ में आ गया, सही है, कोई दिक्कत आ रही बात इसके अंदर, मैंने कहा ना इजी है ना। तो मेरे पास क्या 3/1/25 इज एक्चुअली 5/5, इंटरेस्टिंग, 5 की पावर 5 क्या होता है, 3/1/25 होती है। अच्छा, तो मैं इस नंबर को 13/5 लिख सकता हूँ, 5/5, ठीक है, 2 इसमें नहीं आ रहा है तो आप लिख सकते हैं 2^0, क्या लिख सकते हैं, 2^0, 5/5। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत नहीं है, कोई पता होना चाहिए भी ऐसा, किसी की भी नंबर की अगर पावर 0 होती है तो क्या होता है, 1 होता है। तो 2 नहीं आ रहा था, 2 की पावर आप क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो आप लिखेंगे सिंस हियर डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2^n 5^n, हेंस 13/3125 इज अ टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। समझ आ रही बात? कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर को पकड़ना है, डिनोमिनेटर को पकड़ने के बाद उसके फैक्टर करने हैं, फैक्टर करने के बाद आप क्या करेंगे कि भाई आप चेक करेंगे कि उनके फैक्टर्स क्या क्या आ रहे हैं,
टू आ रहे हैं, फाइव आ रहा है, उसके अलावा और कुछ तो नहीं आ रहा है। अगर टू और फाइव भी आ रहा है तो टर्मिनेटिंग है, और टू और फाइव के अलावा कुछ और आ जाए तो क्या है मेरे पास, नॉन टर्मिनेटिंग है ना। तो इस चीज को आप विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं फटाफट, है ना। चलिए तो हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की, जो कि मुझे दे रखा है 64/455। क्या दे रखा है मुझे, एग्जाम्पल नंबर टू, मेरे पास दे रखा है 64/255। ठीक है ना। तो पहली स्टेप आपकी डिनोमिनेटर पकड़ा। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, है ना, जब भी आप पास आए कि जैसे कि रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है, क्या डेफिनेशन होती है कि भाई ये पी वाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, और पी और क्यू, है ना, दोनों क्या होना चाहिए, कोप्राइम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कोप्राइम, मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है। तो आप जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए आप उसको चेक कीजिए बकायदा कि वो आपका रेशनल नंबर है या नहीं है। मतलब ऐसा है कि आपका उनमें बीच में कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं आ रहा, किसी से कैंसिल तो नहीं हो रहा, कट तो नहीं रहा आपके पास, है ना। तो मैंने कहा सर ऐसा है कि कोई चांस ही नहीं है, है ना, ये टू की टेबल से मैंने कहीं तो नहीं कट रहा, और वो टू के अलावा किसी से कट भी नहीं सकता, तो मेरा कटने कोई चांस नहीं। उसके बाद फिर आप डिनोमिनेटर पकड़िए। तो डिनोमिनेटर मैंने पकड़ा तो मेरे पास आया 255। फाइव से किया, फिर थ्री से किया, कितना हो जाएगा, फिर 17, है ना। तो यहाँ पर तो घपला हो रहा है। घपला मतलब कि सर ऐसा है, या अगर मैं बात की जाए सीधी सी बात, ऐसा 64/255 को ले सकते हैं 3×5×7। तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास सिंस डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म, नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2^n×5^n, हेंस इट इज नॉट टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब टर्मिनेट नहीं होगा। और आप चाहे तो उसको निकाल भी सकते हैं, डिवाइड करके देख लीजिएगा। और उसका एक शॉर्टकट भी होता है ना, कि जो मेरे पास टर्मिनेट करो तो उनको शॉर्टली किस तरह से डेसिमल एक्सप्रेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके बारे में शॉर्टकट हम बाद में पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास आता है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे कि मेरे पास एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, तो एग्जाम्पल थ्री बात कर लें, ठीक है, तो यहाँ मुझे दे रखा है 6/15। ठीक है, अब क्या करेंगे, मेरे घर सबसे पहले चेक करेंगे भी ऐसा कुछ किसी से कट तो नहीं रहे। मेरे पास 6 3 की टेबल में आता, 15 में 3 की टेबल में आता, 3 से दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ पर जाएगा 3 × 2 = 6, 3 × 6 = 15, isn't it, it is। तो ये मेरे पास हो गया 2/5। ओके, तो मैंने इसको 2/5 को लिख लिया, 2^0 × 5/1। तो सिंस डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ, इज इन द फॉर्म ऑफ 2^n×5^n, hence it is terminating। क्या हो जाएगा, terminating। समझ में आ रही बात, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट। एक और नंबर कंसिडर कर लेते हैं, एक क्वेश्चन आपको सीधा दे रखा है आपका, एग्जाम्पल नंबर 4, है ना। एग्जाम्पल 4 क्या कहता है, वो ये कहता है कि ये 23/2^2/5^3 ऐसा कुछ है। तो ध्यान रखिएगा, मार्केट में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा नहीं आपको, मैं पहले से फैक्टर कर रखे हैं, और क्या चाहिए, समझ रहा है बात। तो हम बोलेंगे सर ऐसा कि यहां पे आ रहा है 23/2^2/5^3। तो बोलेंगे सिंस कटने का कोई चांस है नहीं, हमारा सिंस डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2^n×5^n, हेंस इट इज टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, दैट्स इट। आसान आसान सवाल है, बहुत आसान है ना, बहुत बहुत आसान से सवाल है हमारे पास। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद जो टॉपिक बचता है वो बचता ही है कि सबसे पहले तो आप चेक कीजिए कि फलाना नंबर टर्मिनेटिंग है या नहीं। ठीक है, आपने चेक कर लिया, उसके बाद आपको पूछा जाता है भाई ऐसा कि अगर टर्मिनेटिंग है तो बिना एक्चुअल डिवीजन किए कैलकुलेट करो कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। तो आपको डिवाइड करे बिना बताना है कि पॉइंट में उसका आंसर क्या है। मेरी बात समझ रहे हैं सभी, अच्छा। तो जैसे कि मेरे पास कोई भी नंबर है, जैसे कि मेरे पास ये एग्जाम्पल दे रहा है, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं, फिर इसको भी देख लेते हैं। तो आपको क्या करना है सर, ऐसे मैंने बोला सर ये फॉर्म में है, हमने इसको बोलते सर ये मेरे पास क्या, मैंने कहा ये टर्मिनेटिंग है, मैंने कहा बहुत बढ़िया, क्योंकि डिनोमिनेटर फॉर्म में है।
तो जब भी आपका ऐसा कि नंबर क्या था टू अपन फाइव एस टू पावर वन होता है तो आप क्या करते हैं नीचे की तरफ है ना टेन के फैक्टर है ना टेन की फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। टेन की फॉर्म में कैसे लाने की कोशिश करते हैं, टेन के जो फैक्टर हुआ करता है टेन का फैक्टर क्या होता है टू इंटू क्या होता है फाइव, टू एस टू पावर वन फाइव एस टू पावर वन, समझ आ रही बात। तो ऐसा है कि मेरे पास क्या होना चाहिए जैसे कि आप चेक करते हैं कि आपके पास टू और फाइव के की पावर क्या क्या आ रही है और आपको टू और फाइव की पावर क्या करनी है इक्वल करनी है, क्या करनी है इक्वल। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर क्या आ रहा था जैसे कि फाइव वन है टू यहाँ पर नहीं आ रहा तो आप क्या करेंगे टू की पावर वन यहाँ पर भी और टू की पावर वन ऊपर भी, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या कर देंगे टू की पावर वन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। इससे क्या होगा क्या होगा ऐसे टू टू का क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा एंड फाइव टू का कितना हो जाएगा टेन। अब आपको पता ही है फोर को किससे डिवाइड करना है टेन से डिवाइड करना है तो ये हो जाएगा मेरे पास जीरो पॉइंट फोर, एक डिजिट पर डेसिमल पॉइंट लगा के। नहीं आया समझ में, वापस ध्यान से देखो क्या होगा आपके पास जो भी आपके पास नंबर है उसको ध्यान से देखिए। फैक्टर करने के बाद आपको क्या करना है डिनोमिनेटर को पकड़ना है और आपको ध्यान रखना है कि टू और फाइव की दोनों की पावर क्या रखिए सेम आनी चाहिए, यू हैव टू मेक देम इक्वल। तो जो आपका छोटा है जैसे कि मेरे पास यहाँ पे क्या था टू की पावर जीरो था, क्या था मेरे पास टू की पावर जीरो, यहाँ पर फाइव पावर वन तो टू की पावर जीरो तो मतलब टू की पावर कम है तो टू की पावर जीरो को हम क्या करेंगे टू की पावर वन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे टू की पावर वन बनाने के लिए टू की पावर वन का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं और मेरे पास काम अच्छे समझ में के लिए क्या करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगले क्वेश्चन में बात की जैसे कि मेरे पास ऐसा है हमने कहा था ये क्या है फिर क्या है टर्मिनेटिंग है, मैंने कहा टर्मिनेटिंग है ओके। अब क्या करेंगे सॉल्व करना है तो आप क्या करते हैं हमेशा टू और फाइव टू और फाइव की पावर इक्वल करते हैं। तो मैंने कहा सर ऐसा फाइव की पावर कितनी है थ्री है, टू की पावर कितनी है टू है, किसकी पावर तो मैंने कहा टू की पावर टू ही है जबकि फाइव की पावर थ्री है तो दोनों की पावर क्या करते हैं इक्वल करेंगे। कैसे करेंगे छोटे वाले को क्या करेंगे बड़ा करेंगे, कैसे कर सकते हैं टू की पावर टू है टू की पावर और फाइव की पावर कितनी है थ्री है तो आप क्या करेंगे टू की पावर वन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे पूरे रेशनल नंबर को। उससे क्या हो जाएगा टू की पावर वन मल्टीप्लाई होगा नीचे की तरफ ये हो जाएगा टू की पावर थ्री इंटू फाइव की पावर थ्री, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है तो 2 की पावर 2 इनटू 2 की पावर 1 तो 2 की पावर 3 हो जाएगा 5 की पावर 3 हो जाएगा 23 2 जा 46 दैट्स इट। तो यहां पर मेरे पास क्या हो जाएगा इट इज 46 डिवाइडेड बाय 10 रेशियो पावर 3। नहीं अच्छा देखो बेटा ऐसे पावर सेम है तो आप क्या करेंगे 2 इनटू 5 की पावर 3 है ऐसा आपने पढ़ा है ना है ना तो क्या हो जाएगा आपके पास जो दोनों नंबर होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होकर 1 पावर 3 कर सकते हैं तो 2 5 का कितना हो जाएगा आपके पास यहां पे 10 10 स्क्वायर 3 मतलब ये होना चाहिए आपके पास कितना 1000 समझ में आ रही बात। तो 46 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3 डिजिट पर पॉइंट 64 थर्ड नहीं है तो 0.046 समझ में आ रही बात इजी है ना इजी है ना। क्वेश्चन नंबर लेते हैं देख लीजिए फटाफट है ना। तो अगला जो क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है 77/0 मेरे हिसाब से कैलकुलेटिंग है ये नहीं तो उसके बाद पर चेक कर लेते हैं है ना। तो हमारे पास एग्जांपल 5 आ रहा है फटाफट देखिए तो एग्जांपल 5 में दे रखा है मेरे पास 77/210 आपको सबसे पहले चेक करना है टर्मिनेटिंग है या नहीं है और अगर टर्मिनेटिंग है तो डेसिमल एक्सपेंशन भी निकालना है एक्चुअल डिवीजन किए बिना। तो मेरे पास ये है तो 7 से 1 और यहां पे हो जाएगा 30 तो ये हो जाएगा 11/30। अब क्या करेंगे 30 के फैक्टर करेंगे 30 के आपने फैक्टर किए तो एक तो जाएगा 2 से 15 हो जाएगा 3 से किया तो 5 आ जाएगा 5 आंसर है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये हो जाएगा 11/2 into 3 into 5 तो ये आपके पास ऐसा है कि सिंस नॉट इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म कौन सी फॉर्म में नहीं है 2 रेस्ट पावर m और 5 रेस्ट पावर n हेंस इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग है समझ में आ रही बात सभी को नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है क्योंकि सब 3 एक्स्ट्रा है अगर यहाँ पर ये 3 नहीं आ रहा होता तो मेरा काम हो जाता समझ में आ रही बात। इसी तरह से और क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट है ना। नेक्स्ट एग्जांपल 6 एग्जांपल 6 चिल्ला चिल्ला के कह रहा है मैं हूं यहां पे 15/1600 है ना ओके यस क्या करें सर पहले तो काटेंगे सर 5 से 5 से 4 मैंने कम कर लिया कोई बात नहीं मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो मैंने कहा सर ऐसा 5 3 15 यहाँ पे अगर करेंगे तो मेरे पास खा जाएगा 5 3 15 5 2 10 3 50 अच्छा 420 नहीं आया है ना तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा 3/320 3/320 सही है ठीक है।
अब क्या करें, क्या करें, फैक्टर करेंगे किसके, डिनोमिनेटर के, बेटा बहुत बड़ी शाबाश। तो मैंने अभी लिखा 320, इसका किया मैंने फैक्टर 2, 160 हो जाएगा, 2 वापस 2 से, वापस 2 से, वापस 2 से, वापस 2 से, एंड फाइनल। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कैसे? तो मैंने कहा सर ऐसा है कि यहां 3 तो आ जाएगा ऊपर और डिनोमिनेटर जो हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6, 2^6 इनटू 5^1। तो मैंने कहा सर ऐसा है कि 2^n 5^n के फॉर्म में है, तो ये मेरे पास है टर्मिनेटिंग, आपको पता है लिखना चाहिए, सिंस डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2^n 5^n, हेंस इट इज टर्मिनेटिंग। मैंने कहा बहुत बढ़िया है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम करेंगे भाई ऐसा है कि इसका एक्चुअल डिवीजन किए बिना इसका डेसिमल एक्सपांशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डेसिमल एक्सपांशन। निकालने का तरीका, आप सबसे पहले नंबर को पकड़िए, क्या दे रखा है आपका 3/3, ठीक है, 2^6 इंटू 5^1। क्या करना है सर, पावर सेम करनी है, इक्वल करनी है, 5 की पावर कितनी आ रही 1, 2 की पावर कितनी आ रही 6, किसका मल्टीप्लाई करेंगे, जिसकी पावर छोटी हो, छोटी पावर किसकी, मैंने कहा 5 की है, कितने से कम है ना, 6 - 1 5 की कमी है, तो आप क्या करेंगे 5^5 ऊपर एंड 5^5 नीचे, ऐसा कुछ है ना। हाँ तो मेरे पास हो जाएगा ये 3, 5^5 जो होता है क्या होता है किसको याद है, आज क्लास का पहला क्वेश्चन था 3/1 2/5, यहां नीचे क्या हो जाएगा 2^6 इंटू 5^6, इजी, वेरी इजी है। अब क्या किया जाए, अब मेरे पास हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई है ना, कैसे हो जाएगा 3 × 5 = 15 7 × 3 = 9 डिवाइडेड बाय 2 × 5 है ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 × 5 = 6 है ना, ये स्टेप आप हटा सकते हो ना, कि भाई ऐसा कि दोनों को आप सीधा 10^6 लोगों को मुझे कोई आपत्ति नहीं, 2 × 5 = 6 इसका मतलब 10^6 सीधा हो गया, तो आपको क्या करना है 6 डिजिट पर क्या लगाना है, डेसिमल पॉइंट लगाना है, तो यहाँ आ जाएगा 5 7 3 9 0 0 point 1 2 3 4 5 6 this is my answer, getting my point, आसान सवाल था, कोई बड़ी बात नहीं थी है ना, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इस तरह से हम करेंगे क्वेश्चन, सबको समझ में आया, तो आप क्या करना है सिंपल सा, कोई भी नंबर दे रखा है डिनोमिनेटर को पकड़िए, प्रोसेस पहले ध्यान रखिए कुछ कट रहा है किसी नंबर से है ना, तो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी आपको पता होने चाहिए, और फिर आपको उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है, समझ में आ रही बात, फिर आपको डिनोमिनेटर को पकड़ना है, डिनोमिनेटर के फैक्टर करने हैं, आपको चेक करना है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, और कंडीशन क्या है मेरे पास कि उसके अंदर सिर्फ 2 और 5, या तो सिर्फ 2 हो तो भी चलेगा, सिर्फ 5 हो तो भी चलेगा, और 2^n इंटू 5^n इसकी कॉम्बिनेशन है तो भी चलेगा, समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा मेरे पास यहाँ पर जो कंडीशन चलते हैं ना एम और एन, वो आपके होल नंबर हुआ करते हैं, क्या हुआ करते हैं, हम लिखते हैं ना ये कंडीशन 2^n इनटू 5^n, यहां पर m एंड n क्या है आपके होल नंबर्स हैं, या फिर कहा जाता है इनको नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, क्या कहा जाता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है ना, तो ये कंडीशन आपके पास लग रही है दैट इज टर्मिनेटेड, तो यहां पर मतलब ऐसा है कि m और n की वैल्यू 0 भी हो सकती है, और 0 रखने पर अकेला 5 भी चलेगा, और n की जगह 0 रखते हैं तो अकेला 2 भी चलेगा, समझ में आ रही बात, तो 2 हो अकेला इज अ फैक्टर, 5 के फॉर्म में अकेले फैक्टर्स हो, अभी दोनों कॉम्बिनेशन, पर इन दोनों के अलावा कोई तीसरा नंबर आ गया तो गड़बड़ है साहब, तो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा, समझ में आ रही बात। नेक्स्ट बात करेंगे मेरे पास ऐसा है कि आप मुझे इसका डेसिमल, जो कि टर्मिनेटिंग है, तो मुझे निकालना है इसका डेसिमल एक्सपेंशन, तो क्या करते हैं चेक करते हैं इसको डिनोमिनेटर को 2 की पावर कितनी आ रही है और 5 की पावर कितनी आ रही है, तो 2 की पावर आ रही है मेरे पास 6, 5 की पावर आ रही है कितनी 1, तो मैंने कहा सर ऐसा जो छोटा हो, जिसकी पावर क्या हो कम हो, तो उसको क्या करते हैं इक्वल करते हैं, पावर इक्वल करते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसकी 6 है इसकी 1 है, तो 5 का डिफरेंस आ रहा है पावर्स का, ठीक है, तो 5/5 और 5/5 मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, समझ में आ रही बात। तो ऐसा करने से क्या होगा कि आपके पास 5/5 भी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, तो अब आपके पास पावर्स क्या हो गई इक्वल हो गई, ठीक है। ऊपर जो मेरे पास 5/5 जो होता है वो क्या था 3/1 2/5 होता है, उसको 3 से मैंने क्या कर लिया मल्टीप्लाई कर लिया, समझ में आ रही बात। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपका नीचे हो जाए 10^6, तो आपको 6 डिजिट पर आफ्टर 6 डिजिट्स अब क्या रखना डेसिमल पॉइंट रखना है, तो आपका ये आंसर हो गया, समझ में आ रही बात, आसान था
ठीक है, वन और टू मार्क के क्वेश्चन यहाँ से आपके पास आ सकते हैं, है ना। ज्यादा उम्मीद मत कीजिएगा।